अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल यू फ्रॉम फोन वर्ल्ड। और आज स्मार्ट रिव्यूज में हम जिस डिवाइस का रिव्यू करेंगे वो क्यू मोबाइल का एक न्यू फ्लैगशिप डिवाइस है जी सीरीज का, जिसका नाम है Z10। वेल व्यूअर्स, हम लोगों ने क्यू मोबाइल Z10 को किया है अनबॉक्स, और अनबॉक्स करने के बाद हमारे जो पास एसेसरीज आई हैं उसमें सबसे पहले आप ये बॉक्स देख लें। बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है, स्लिम स्मार्ट सा, ज़रा से डिफरेंट क्योंकि जी सीरीज के आपको पता है डिफरेंट होते हैं। प्लस मैंने आपको बताया है कि PTA की अप्रूव्ड स्टैम्प होनी चाहिए, तो जो कि हैंडसेट में है, आप भी जब लेंगे खरीदेंगे हैंडसेट तो मेक श्योर कि उस पर स्टैम्प हो। द नेक्स्ट थिंग इज द स्मार्टफोन, आप देख सकते हैं खूबसूरत स्मार्टफोन है जी सीरीज का Z10। इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बाद बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री कवर दिया है, एक लेदर कवर है ये। अदर देन दिस, डेटा केबल टू ट्रांसफर योर डेटा एंड टू चार्ज योर हैंडसेट। और इसके अलावा हमारे पास एक ट्रेवल चार्जर है, 1 एम्पेयर का ट्रेवल चार्जर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हैंड फ्री, क्यू मोबाइल की यूजुअल हैंड फ्री है इसके साथ। वेल व्यूअर्स, आप देख सकते हैं क्यू मोबाइल Z10 बहुत ही खूबसूरत बॉडी, काफ़ी लाइट वेट हैंडसेट है, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, स्लीक सा है, आप देख सकते हैं राउंड एजेस हैं, वॉल्यूम की बटन आपको नज़र आ गया, पावर बटन, सिल्वर बटन्स हैं। साइड्स भी इसकी ग्रे स्केल में साइड्स है, ग्रे एंड ब्लैक कलर की इसकी बॉडी, ऑडियो जैक आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी वो कहते हैं ना कि फाइन सी बॉडी है इसकी। ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द फ्लैगशिप डिवाइसेस ऑफ क्यू मोबाइल, जी सीरीज का सबसे लेटेस्ट मॉडल Z10। अब अगर हम इसकी टच की बात करें तो वेरी स्मूथ आई मस्ट से, एंड इट्स वेरी नाइस। आप जब इस हैंडसेट को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी एक एक चीज़ बहुत ही ईजी है, बहुत स्मूथ है, एवरीथिंग इज़ वेरी मर्ज, एक एक आइकन, एक एक वो जो कहते हैं इसकी डिस्प्ले की जो वो है, जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। प्लस इसका टच बहुत एक्स्ट्रा स्मूथ है, इसका टच बहुत ज़्यादा स्मूथ इसलिए भी है क्योंकि इस हैंडसेट में जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है दैट इज़ 1.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, विच मेक्स इट वेरी फास्ट। अगर हम अब इसकी अगर गेम की बात करें तो आपको भी यहाँ से अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इसका प्रोसेसर जो है वो इतना फास्ट क्यों है। सबवे सर्फर हम खेलते हैं इस पर, इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस गेम्स, आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स बनाए होंगे इस गेम पे। वेल आई एम बैड विद दिस गेम, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी खेल के दिखाते हैं ताकि आपको इसके प्रोसेसर का अंदाज़ा हो सके। ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लासिक ग्राफिक्स हैं इसके। ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ हम लोग इस चीज़ के बाद विल टॉक अबाउट द डिस्प्ले। इस हैंडसेट की जो डिस्प्ले है जो नाम है, इट्स 5.2 IPS FHD डिस्प्ले, जिसकी मैं तारीफ ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बिकॉज आई लाइक दिस हैंडसेट, इट्स वेरी वेरी नाइस। बिल्कुल वो कहते हैं एक परफेक्ट सा कॉम्बो आ रहा है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, इसका टच आप टच करेंगे तो आपको यू विल फील द डिफरेंस कि इसमें और बाकी में क्या डिफरेंस है। प्लस इसके अंदर जो इसकी स्क्रीन है दैट इज़ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, तो यहाँ से भी आपको हो जाएगा कि आप यू कैन ईजिली प्रोटेक्ट योर हैंडसेट क्योंकि शॉक रेजिस्टेंट है थोड़ा सा। वेल व्यूअर्स, इस हैंडसेट में जो रैम यूज़ हुई है दैट इज़ 3 GB रैम, विच मेक्स इट सुपर फास्ट। आपको पता होगा कि 3 GB की रैम आजकल बहुत कम हैंडसेट्स में आई है, तो इसलिए कुछ जिन हैंडसेट्स में है देर सुपर फास्ट, जिसकी एग्जांपल S6 भी है, सैमसंग गैलेक्सी S6 जो हैंडसेट है उसमें 3 GB की रैम है, और इस हैंडसेट में Z10 में 3 GB की रैम है, विच इज़ क्वाइट अप्रिशिएटिव। आप और जो इसमें रोम है दैट इज़ 16 GB रोम, उसका मतलब ये है जनाब कि आप में आपके पास जो स्टोरेज है दैट इज़ 16 GB इंटरनल स्टोरेज, और अगर आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज़ यूज़ अ मेमोरी कार्ड। अगर आपके लिए 16 GB कम पड़ रही है स्टोरेज तो आप उसे मेमोरी कार्ड से एक्सपेंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ द बैटरी ऑफ दिस हैंडसेट, मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट में नॉन रिमूवेबल बैटरी है और 2900 mAh बैटरी है, जो कि हम आपको दिखा भी देते हैं। मुझे हमेशा हैंडसेट्स के बैक कवर्स खोलते हुए डर लगता है कि कहीं ये टूट ही ना जाए। यस, यू कैन सी इट्स अ ड्यूल सिम हैंडसेट, आप यहाँ देख सकते हैं सिम 1
सिम टू मेमोरी कार्ड ऑलरेडी इसमें है और इसकी जो बैटरी है वो नॉन रिमूवेबल है. सो यस वी हैव अ नॉन रिमूवेबल बैटरी. और अब जो चीज़ रह गई है जनाब इसका OS, लेट्स टॉक अबाउट द OS. आपको पता तो चल गया होगा इसमें जो OS यूज़ हुआ है दैट इज़ एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.1. उसके अलावा जनाब इसकी एक और जो बहुत अच्छी बात है इसका कैमरा. इसका कैमरा बहुत आउट क्लास है. इसके कैमरा में जो फंक्शंस हैं वो HD फंक्शंस बहुत अच्छे हैं. इट्स जस्ट लाइक अ DSLR. जिस ये आपको जो इसमें फंक्शंस हैं आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, आप देख सकते हैं. प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यू चूजिंग दिस, तो यू कैन सेट योर iOS एंड यू कैन सेट एवरीथिंग. जिस तरह आप एक अपने DSLR कैम को सेट करते हैं यूज़ करने के लिए, दिस हैंडसेट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. उसके अलावा इस हैंडसेट में भी के कैम में भी बहुत सारे डिफरेंट मोड्स हैं, आप देख सकते हैं. इसका जो नाइट विजन है वो भी बहुत ही अच्छा है. व्हेन यू यूज़ दिस हैंडसेट आपको पता चलेगा कि इसके जो कैमरा है इट्स वेरी आउट क्लास. वेल व्यूवर्स, बात कर रहे थे हम इसके कैमरा की. तारीफ जो मैं कर रही थी वो आपको पिक्चर्स भी दिखा देते हैं हम गैलरी में, उसका साइज़ भी दिखा देते हैं एंड एवरीथिंग एल्स. यस यहाँ हम देखते हैं ये जनाब इसकी जो पिक्चर है वो है इसके रेयर कैम की, और जो इसका रेयर कैम है दैट इज़ 13 megapixel रेयर कैम विद अ फ्लैश लाइट. और मैं आपको इसकी एक और ख़ास बात बताती चलूँगी, ये ऑटो फोकस है. जैसे कि एक DSLR में मैंने आपको बताया था कि वो फेस फोकसिंग करता है, तो ये कैमरा भी फेस फोकसिंग करता है. आपको इसकी डिटेल्स दिखा दूँ मैं. यस 2.71 MB है इसका फाइल साइज़. इसकी विड्थ और हाइट है 4160x3120, तो अच्छी खासी हाई रेस पिक्चर है ये. इसकी सेल्फी पिक्चर है. एक और चीज़ बताऊँगी, इसका जो फ्रंट कैम है दैट इज़ 5 megapixel फ्रंट कैम विद अ फ्लैश लाइट. इसके फ्रंट कैम में भी फ्लैश लाइट है और इसके रेयर कैम में भी फ्लैश लाइट है. ये इसकी पिक्चर है फ्रंट कैम की, आप देख सकते हैं 5 megapixel फ्रंट कैम. इसकी डिटेल्स आपको दिखाती चलूँ तो 1.61 MB इसकी विड्थ और हाइट है 1920x2560. बट नॉट द लीस्ट जनाब हम बात करते हैं इस हैंडसेट की. एक और जो बात है वो ये है कि इट्स अ 4G हैंडसेट, 4G LTE हैंडसेट है. और एक और चीज़ जो मैंने इस हैंडसेट को यूज़ करके जो नोटिस की है वो ये है कि इस हैंडसेट पे अगर आप 4G ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है. तो येस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. बैटरी फिर भी काफ़ी बड़ी है, 2900 mAh बैटरी है, लेकिन फिर भी 4G पे जल्दी कंज्यूम हो जाती है. वेल व्यूअर्स, ये था अब तक का रिव्यू. आई होप आप लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और जो जो क्वेरीज होंगी आपके इस हैंडसेट के बारे में आपकी क्लियर होगी होंगी, एंड अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपको ये हैंडसेट लेना है या नहीं लेना. लेकिन इन केस अगर आप हम लोगों ने कोई चीज़ मिस कर दी और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डिटेल्स चाहिए, आपको इसके डिफरेंट स्कोर्स देखने हैं और आपको इसके कंपेरिजन देखने हैं, तो वट यू कैन डू इज यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और आप हमारे रिटर्न रिव्यूज़ पर जा सकते हैं. Z10 का जो रिटर्न रिव्यू है वो काफ़ी डिटेल में है, इसका हर फंक्शन उसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है. You can always go to that. Or for more reviews, keep visiting our website and don't forget to follow us on Facebook and Twitter. Allah Hafiz.